हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बेस क्वेश्चन। तो आज देखेंगे टोटल एवरेज का क्वेश्चन, जिसमें दो आदमी चल रहा हो, तीन आदमी हो, या डिस्टेंस जो अलग अलग कवरेज करे और उसका एवरेज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लोग भी जानते हैं, जब दो दिया हुआ रहता है, एक्स किलोमीटर वाई से स्कूल जाता है और आपस आता है, तो आप लोग इस फार्मूला से निकालते हैं। पहले हम लोग देख लेंगे कि फार्मूला आया कैसे। तो मानिए, चलिए एक डिस्टेंस क्या है, ये डी दिया हुआ है यहां से लेकर यहां तक, और ये एक्स किलोमीटर पर आवर से स्पीड से जाता है और वाई किलोमीटर पर आवर से आपस आता है। तो टाइम कितना लगा, डिस्टेंस डी बटे डीवन, नहीं डी बटे आपको एक्स मान लीजिए टी वन, और यहाँ टी टू जो था डी बटे वाई मान सकते हैं। अब देखिए औसत दूरी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, एवरेज स्पीड जो होता है आपका। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से तो यहां गया, तो ये डी माना हुआ है, आपस आया, तो क्या हो जाएगा टू डी बटे टोटल टाइम। टाइम क्या हो जाएगा, डी बटे एक्स, यहाँ टी वन जो माने थे टाइम एक्स के लिए और आपस आया था टी टू टाइम के लिए, तो डी बटे वाई। अब देखिए इसको टू डी बटे, यहां से डी कॉमन ले लेंगे तो वन बटे एक्स प्लस वन बटे वाई बचेगा। अब इसको डी से डी ए चला जाएगा तो टू बटे, इसको सेम लीजिएगा तो एक्स प्लस वाई बच जाएगा और बटे एक्स वाई। जब इसको ऊपर चला जाएगा तो टू एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, यही तो निकालते थे आप इसी फार्मूला पे। टोटल एवरेज जो एक्स किलोमीटर की स्पीड से जाता है और वाई किलोमीटर स्पीड से आपस आता है, तो एवरेज स्पीड इसी फार्मूला से निकालते हैं। तो देखिए ये फार्मूला आ गया। अब देखिए इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद जो तीन आदमी अलग अलग डिफरेंस से जाता है, एक निश्चित दूरी तय करता है, उसका भी फॉर्मूला देखेंगे और उससे भी बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, 20 किलोमीटर स्पीड के स्पीड से जाता है तथा 30 किलोमीटर स्पीड से आपस आता है, तो एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टू इंटू बीस इंटू तीस, यही फॉर्मूला पे बैठा देंगे और बटे दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये 50 हो जाएगा। अब देखिए कैसे, एक जीरो से एक जीरो गया, ये कितना हो जाएगा आपका, पांच से पंचों का 20 जाएगा, तीन दुना 6 इंटू 4, मतलब कि 24 किलोमीटर पर आवर से जाएगा ये, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पे देखते हैं, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा इसका क्या जाएगा, 2 इंटू 75 इंटू 50 किलोमीटर से आपस आता है, अब दोनों का ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 125, 125 पांच से जाएगा, ये दो से, और ये 15, हाँ 15 से जाएगा, तो 15 चौका 60 चला जाएगा, तो 60 किलोमीटर पर आवर से आपका आंसर हो जाएगा एवरेज स्पीड। अब देखिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है एक व्यक्ति एक्स किलोमीटर स्पीड से एक तय करता है, उतना ही दूरी वाई किलोमीटर से तय करता है, और सेम जो डिस्टेंस है जेड किलोमीटर की स्पीड से तय करता है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। अब इसमें आपको दिया हुआ है अलग अलग व्यक्ति जो है एक निश्चित दूरी एक्स किलोमीटर से, वाई किलोमीटर से और जेड किलोमीटर से तय करता है, सेम डिस्टेंस है। तो देखिए यहां से यहां मान के चलिए आया डी, और यहां से यहां डी और ए डी, तीन डिस्टेंस हो गया, एक्स किलोमीटर पर आवर, वाई किलोमीटर पर आवर और जेड किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। तो टाइम क्या हो जाएगा इसका, टी वन जो हो जाएगा डी बटे एक्स, टी टू हो जाएगा डी बटे वाई, और टी थ्री हो जाएगा डी बटे जेड, यही हो जाएगा। अब देखिए एवरेज स्पीड यहां से कैसे निकलेगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, आप देखिए यहां से लेके एवरेज स्पीड गया तो कितना डिस्टेंस होगा, डी 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 मतलब थ्री डी बटे टोटल टाइम, तो डी बटे एक्स प्लस डी बटे वाई प्लस डी बटे
जेड। अब देखिए थ्री डी, यहां से एलसीएम लीजिए तो डी कॉमन लीजिएगा, वन बटे एक्स प्लस वन बटे वाई प्लस वन बटे जेड, डी से डी गया तो क्या हो जाएगा थ्री वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई बटे एक्स वाई जेड हो जाएगा। एक्स वाई जेड ऊपर चला जाए तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स वाई जेड बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिख सकते हैं। यही आपका तीन, जब इस एक निश्चित दूरी जो दिया हुआ है आपको x किलोमीटर y से, y किलोमीटर y से या z किलोमीटर y से, तीन अलग अलग डिफरेंस दिया हुआ हो तो इस फॉर्मूला पे हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए इस पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद आगे फिर बढ़ते हैं। अब देखिए अगर इसको करने में, अगर आपको कैलकुलेशन करने में x y z अलग अलग दिया हुआ हो तो मतलब बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। देखिए अगर x y z कोई डिफरेंस है, कोई x किलोमीटर y किलोमीटर z किलोमीटर से जाए तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा x y z, ये क्या है y z टाइम लेगा जेड एक्स और ये x y लेगा, और यही से फॉर्मूला तीन डिफरेंस गया तो थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही तो टोटल आया फॉर्मूला यही बेस पे। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर गति से तय करता है, उतनी 15 किलोमीटर से, और अगली उतनी दूरी 30 किलोमीटर से तय करता है, तो एवरेज स्पीड बताएं। तो एवरेज स्पीड क्या होगा थ्री इंटू 10 इंटू 15 बटे इंटू 30, अब बटे हो जाएगा क्या 15 इंटू 10 इंटू 15 150। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या फिर 15 इंटू 30 450 और एक 30 इंटू 10 मतलब 300 हो जाएगा। अब यहां से अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा आपका एवरेज दूरी, अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई अभी मत कीजिए, सेम रहने दीजिए कट जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 0 5 5 10 0 1 4 3 7 1 8 1 9 2 0 1 0 0 1 0 से 1 गया 3 3 9 3 से 3 गया तो कितना आ गया 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब दिया हुआ हो। अगर अब देखिए अब एक अलग क्वेश्चन करते हैं, अगर आपका जो डिस्टेंस जो दिया हुआ हो अलग अलग हो, जब मतलब एक क्वेश्चन दिया पूछता है ऐसे कि x किलोमीटर के स्पीड से जाता है d1 डिस्टेंस, y किलोमीटर की स्पीड से जाता है d2 डिस्टेंस, और z किलोमीटर की स्पीड से जाता है d3 स्पीड इस डिस्टेंस, तो कैसे निकालते हैं, मतलब कि डिस्टेंस अलग हो और स्पीड भी अलग हो तो कैसे तीनों का एवरेज निकालते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है d1 प्लस d2 प्लस d3 मतलब डिस्टेंस अलग हो गया बटे टाइम, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बटे टाइम, तो टाइम क्या निकालेंगे फिर डिस्टेंस बटे स्पीड करेंगे तो टाइम आ जाएगा, तो फिर नीचे में बटे में क्या है d1 बटे स्पीड d2 बटे स्पीड d3 बटे स्पीड, तो उससे टाइम आ जाएगा तो टोटल एवरेज एवरेज आपका निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन इस पे कैसे बनाते हैं, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है, तो आपका पहले क्या है स्पीड, आपका पहले डिस्टेंस देख लीजिए 80 किलोमीटर 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, ये वाला जहां पे डबल लाइन कर देते हैं डार्क कर दिया ये स्पीड दिया, तो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है तो डिस्टेंस को पहले ऐड करके ऊपर लिख लेना है। एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड क्या हो गया डिस्टेंस 80 प्लस 50 प्लस 60 बटे टाइम होता है, तो टाइम नहीं निकाला हमें क्या दिया हुआ है फिर हमको स्पीड दिया हुआ, तो टाइम निकाल सकते हैं डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस बटे स्पीड तो टाइम निकल जाएगा, तो 80 बटे 60 कर सकते हैं प्लस 50 बटे 40 प्लस 60 बटे 80 कर सकते हैं इसके बटे इसके, तो टाइम निकल जाएगा और डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ही है और बटे टोटल टाइम, तो स्पीड निकल जाएगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा आपका एक 0 190 बटे एक, इसको काट लीजिए, तो ये आपका काटने के बाद कैलकुलेट करके मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको, एलसीएम लीजिएगा तो नीचे 24 आ जाएगा 32 प्लस 30 प्लस 18, अगर इसको 190 तो ये ऊपर 24 चला जाएगा अब बटे कितना हो जाएगा 80
दो से जाएगा 90, 190, तो कितना हो जाएगा 24 × 257 किलोमीटर पर आवर के स्पीड हो जाएगा। अगर डिस्टेंस अलग अलग दिया हुआ हो और स्पीड भी अलग अलग दिया हुआ हो तो ये फार्मूला याद रखिएगा, इससे ही हम लोग निकाल सकते। अब आपका इस जो आपका एवरेज का क्वेश्चन जो है ये खत्म हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे आपका टाइम एंड स्पीड में ही और टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई भी डाउट पूछना है तो टेलीग्राम लिंक में जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ पे ऐड हो जाइए, वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक जय हिंद, जय भारत।